हेलो एंड वेलकम टू चेतनास करी किचन। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की, लेकिन ये नॉर्मल आलू टिक्की नहीं है, ये काफी क्रिस्पी बनेगी और इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार आलू लिए, इनको मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिए। अब हमने इनको बॉईल नहीं करना, इनको हम ग्रेट करेंगे। तो हम एक बाउल में सबसे पहले थोड़ा पानी ले लेते हैं। जब हम इनको ग्रेट करें तो आलूओं पे जो कालापन आ जाता है वो पानी में अगर डिप रहेंगे तो वो नहीं आएगा। तो ग्रेटर आप कोशिश कीजिए मोटा वाला होए, जिससे हमारे आलू लच्छे काफी मोटे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू लच्छे मोटे मोटे बन रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरीके से आलू हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और आप पानी देखेंगे तो इसमें कितना स्टार्च है। तो इन आलूओं को हम निकाल लेते हैं और इन लच्छों को हमने 4 से 5 बारी अच्छे से धोना है, जब तक कि इनकी स्टार्च नहीं निकल जाती। यहाँ पे इन लच्छों को हम वॉश कर रहे हैं, तो आपने 3-4 बारी इनको ज़रूर वॉश करना है। ये मैंने 3-4 बारी लच्छों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनको बॉयल करेंगे। इन लच्छों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में पानी लिया है, ये लगभग 1 लीटर पानी है। अब हम इन लच्छों को इसमें डाल देंगे और हमने इनको बॉईल करने का टोटल टाइम हमारा 8 से 10 मिनट तक रहेगा। और फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना, फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे आप अंदाजा लेके बताती हूँ, एक आलू के लिए आप आधा चम्मच नमक डाल लीजिए। तो यहाँ पे 4 आलू हैं तो मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। इससे एक तो क्या होगा, आलू की जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगी, दूसरा लच्छों में जो नमक का फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर, और जब इसको बॉयल आ जाए तो हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। लेकिन साथ साथ में आप इसको हिला के चेक करते जाइएगा। यहाँ पे पानी भी आप देख सकते हैं गर्म हो गया है, तो मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ और इनको हिला देंगे ताकि नीचे वाले आलू ये ना हो कि ज़्यादा गल जाए। तो इसको मैंने 1-2 बारी चेक कर लिया है और अब इनको बॉयल भी आना शुरू हो गया है। यहाँ पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इन लच्छों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लच्छे थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो बस इस स्टेज में आप देखिए ये गल भी गए हैं काफ़ी, इनको ज़्यादा नहीं गलाना। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको स्ट्रेनर में डाल के हम इसका पानी अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये गरम आलू को ही फटाफट से हमने पानी निकाल देना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और इसमें साथ ही में हमने ठंडा पानी डाल के इनको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि चिल्ड पानी हो ताकि आलू जो है जल्दी ठंडे हो जाए और इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब इनको मैंने आलू को अच्छे से लच्छों को ठंडा कर लिया है। अब हम इस कपड़े पे इसको फैला लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये अच्छे से ठंडे हो जाए। इन लच्छों को हमने कपड़े पे ज़्यादा देर नहीं फैलाना, 2-3 मिनट फैलाना, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि इसमें पानी है तो इसको कपड़े में ही लपेट के अच्छे से इसका पानी निकाल लेना, जैसे कि ये मैं निकाल रही हूँ। इसमें क्या होगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो जब हम टिक्की बनाएंगे तो वो काफ़ी ऑयली बनेगी। तो इन लच्छों में से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब इनको हम अच्छे से बाउल में पहले तो अलग कर लेते हैं। इन लच्छों को मैंने अलग कर लिया है। अब इसमें हम बाइंडिंग देने के लिए हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, आप अपने आलू के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं थोड़ा कम या ज़्यादा। इसमें हमने थोड़ी सी ही बाइंडिंग देनी है, ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना। इसको सॉफ्ट हैंड से हम सारे लच्छों को और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। और दूसरी बात, इसमें नमक नहीं डालना, क्योंकि हमने बॉयल करते टाइम इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिए। जब आपको लगे कि आलू ये ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं लच्छे, तो बस इतना ही कॉर्नफ्लोर होना चाहिए, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हमने नहीं यूज़ करना। अब हम शुरू करते हैं टिक्की बनाना। यहाँ पे हम आज टिक्की बनाएंगे तवे पे। ये मेरा थोड़ा बड़ा तवा है, आप घर का जो नॉर्मल तवा होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तवे पे डालेंगे ऑयल, और इस ऑयल को हमने पूरे तवे पे अच्छे से पहले फैला लेना है ताकि तवा काफ़ी स्मूथ हो जाए, हमारी टिक्की इस पर चिपके ना।
और दूसरा रीजन टिक्की तवे पे बनाने का ये है कि ऑयल काफी कम यूज होगा। डीप फ्राई में क्या होता है, काफी ऑयल लग जाता है, तो कुछ लोगों को ज्यादा ऑयली चीजें नहीं पसंद। तो तवे पे अगर हम बनाएंगे तो हमारे काफी कम ऑयल में हमारी टिक्की तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़े आलू की लच्छे लेकर उसको मैंने टिक्की की शेप दे दी है। इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना, इसको पतला पतला ही रखना है ताकि लच्छे काफी क्रिस्पी हो जाएं और हमें काफी क्रिस्पी टिक्की मिले। तो यहाँ पे मैंने एक टिक्की डाल दी है। इसी तरीके से हम एक साथ सेंटर में दो तीन टिक्की डाल देंगे, जितनी आपकी तवे पे सेंटर में आ सके उतनी आप डाल लीजिए। और ध्यान रखना कि काफी पतला ही हमने रखना है, ज्यादा मोटा टिक्की की शेप नहीं देनी, तो क्रिस्पीनेस हमारी तभी आ पाएगी। अब हमने इसको टर्न तभी करना है लच्छों को जब आपको लगे कि नीचे से जो है लच्छे पक गए हैं, थोड़ा उसको उठाने में इजी लगे। अगर हम पहले ही उठा लेंगे तो सारे लच्छे अलग अलग हो जाएंगे, तो टिक्की हमारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इन टिक्की को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इसको उलटते पुलटते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। अगर आपको लगे कि बीच में चिपक रही है तो इसको इस तरीके से अलग करते जाना। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन टिक्की को हमने क्या करना है, ये तवे के साइड में ऊपर करते जाना है, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और कम ऑयल में ये अभी और क्रिस्पी होती जाएंगी। तो जब तक ये साइड में क्रिस्पी हो रही है हम सेंटर में और टिक्कियां तल लेते हैं, तो इससे हमारी जो टिक्की है काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ सेंटर में मैंने दो तीन टिक्की और डाली है, तो इसी तरीके से हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। सेंटर में हम टिक्की बना रहे हैं लेकिन हमने साइड वाली टिक्की को नहीं भूलना, इनको हम साथ साथ में पलटते जाएंगे ताकि ये ना हो कि ये जल जाएं। तो साथ ही में हम सेंटर में टिक्कीस बनाते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं सारी टिक्की हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैं सर्व करने की तैयारी कर रही हूँ, तो अब मैंने जितनी टिक्कियाँ सर्व करनी है उतनी सेंटर में लाके उसको थोड़ा और क्रिस्पी करूँगी। तो ये दो टिक्की मैंने रेडी कर ली हैं, तो अब हम इनको सर्व करते हैं विद ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ। जब तक टिक्की चटपटी ना हो तो मज़ा किस बात का, तो इसको हम और चटपटा बनाते हैं। तो इसमें कुछ मसाले डालते हैं, तो इस पर आप थोड़ा भुना जीरा, थोड़ा काला नमक, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला हम सबसे पहले डालेंगे। अब बारी आती है चटनियों की, तो यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ा दही भी डाला है क्योंकि मुझे टिक्की पे थोड़ा दही पसंद है, तो आपको भी अगर पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। साथ में हम इसमें इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो डालेंगे और इसको और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ी ग्रीन चटनी डाली है। और ये देखने में थोड़ा और अच्छी लगे हमें टिक्की, तो हमने यहाँ पे थोड़ी गाजर और थोड़ा चुकंदर को ग्रेट कर लिया, वो ऊपर से डालेंगे। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो देखिए घर पे हमने इतनी इजी तरीके से क्रिस्पी और बहुत ही कम टाइम पे हमने इस टिक्की को रेडी किया है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।